हेलो फ्रेंड्स, पम्मी की रसोई में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं बंगाल की रेसिपी खीर पीठा। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में और उतना ही आसान है इसे बनाना। और ये एक बार आप बना के खाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और जितना ये बाहर से सॉफ्ट है उससे ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट है। चलिए इसे हम बनाते हैं। ये मैंने ले लिया है 2 लीटर दूध। दूध को मैंने पहले ही अच्छे से उबाल लिया था, तो ये इसमें अच्छे से पूरा देख रहे हैं कितना सारा मलाई बना हुआ है। अब एक उबाल आने तक इसे चलाते रहेंगे और चलाते चलाते इसे हमें चलाते हुए दूध को हल्का गाढ़ा करना है। और ये मैंने 1 कप चावल लिया था, इसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिंगा दिया था। ये अड़वा चावल है। अब हम इसे चलाते हुए और एकदम गाढ़ा करेंगे। है तो खीर पीठा, लेकिन हमें इसका जो है खीर ना वो पूरा ही अच्छे से खोया जैसा बनाना है। तो इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और चलाते हुए जैसे देखिए ये गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें डाल देते हैं, ये कच्चा नारियल है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, देखिए पूरा गाढ़ा होने लगा है ना। और इसे हमें ऐसे चलाते लगातार चलाते रहना, नहीं तो ये खीर जो है ना वो नीचे से चिपक जाएगा। फिर देखिए चलाते हुए ये, और सर्दियों में ना ये पीठा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो और ऐसे हमें चलाते हुए देखिए ये हमारा कितना गाढ़ा हो गया ना। हम चलाते हुए इसका खोया बनाएंगे। ये साइड से जो लग गया था ना, इसे चला चला के थोड़ा सा मतलब खुरच के निकाल देंगे इसका मलाई जो है। देखिए फ्रेंड्स ये कितना गाढ़ा हो गया है ना। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मैंने इसमें ये गुड़ डाला है, आप चाहे तो इसमें खजूर का गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें गन्ने का ये डाला है, गुड़ डाला है। चलाते हुए इसे हम पूरा गाढ़ा कर लेंगे जिससे कि ये देखने में पूरा ही खोया जैसा बन जाए, लेकिन है तो ये खीर ही, खीर पीठा बना रही हूँ मैं। हमारा खीर बन के तैयार हो गया। जब तक वो ठंडा होता है हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 2 कटोरी चावल का आटा, और इसे मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटी कटोरी मैदा, जिससे इसका जो है ना ये बाइंडिंग बहुत अच्छे से रहे। और इसे दूध से घोल रही हूँ मैं, आप चाहे तो पानी से भी घोल सकते हैं, लेकिन दूध से जब इसका ये घोल तैयार करेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए इसे एकदम पतला, जैसे डोसा का बैटर तैयार करता है ना, वैसे ही इसका भी तैयार करना है। और मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा गुड़, आप चाहे तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये गीला वाला गुड़ था थोड़ा सा, तो मैंने वो डाल दिया। और मीठा आप अपने हिसाब से डालिए, अगर आपको ज़्यादा मीठा है तो आप ज़्यादा डालिए, अगर कम मीठा आपको पसंद है तो आप कम डालिए। ये देखिए हमारा ये जो है ये घोल अच्छे से तैयार हो गया है, और इतना ही पतला हमें इसका घोल बनाना है। ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है ना, और एक भी इसमें जो है ना लम्स नहीं होना चाहिए। अब मैं ये डोसा तवा ली हूँ, इस पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। फिर इसे कोई भी कपड़े से या आप नैपकिन से ऐसे करके तेल को मिला लें। फिर इस पे डाल दें ये बैटर। अब इसे जो है ऐसे ही करके हम तवा को हिलाते हुए जो है ना, और थोड़ा सा इसका जो हम लंबा शेप में रखेंगे जिससे इसे रोल करने में आसानी हो। देखिए थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा बड़ा बनाएंगे ना तो फिर बीच से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और ये दोनों साइड से अच्छे से जो है, एक साइड से हमें पकाना है और दूसरी साइड से पता चल जाएगा जो ये पूरा सूख गया है। फिर हम इस पे ये खीर डालते हैं। अब हम इसे गोल करके ऐसे करके हम रोल कर लेंगे। देखिए ऐसे करके हमें इसे रोल कर लेना है। और फ्रेंड्स आप एक बार इसे बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। वैसे तो बंगाल में बहुत तरह का पीठा बनता है, तो ये वाला बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए मैंने एक पीठा बना लिया, अब ये दूसरा भी ऐसे करके हम बना लेंगे। इसमें ऐसे हमें एक एक करके जो है ना, और गैस का फ्लेम एकदम हम लो रखेंगे,
उस पे होगा क्या, जो ये ऊपर वाला पड़ा था ना पिठा का, ये बहुत ही अच्छे से पकेगा। नहीं तो ज़्यादा अगर गैस फुल करके पकाएंगे ना तो वो फिर कच्चा रह जाएगा। देखिए ऐसे करके हमें सारे पीठे को तैयार कर लेना है। ये बन गया, ये देखिए हमने इतना पीठा बनाया है। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर।